मोहम्मद साजिद। हाँ जी मोहम्मद साजिद, कौन आना चाहिए? मामा जी आने चाहिए। शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान क्यों आने चाहिए? कारण ये है कि इसलिए आना चाहिए क्योंकि जो नई नई योजना उन्होंने लागू की है वो बड़ी अच्छी है। अगर सरकार आने के बाद वो चलाते हैं तो इसका गरीब लोगों को बहुत फायदा मिलेगा, मध्यम लोगों को बहुत फायदा मिलेगा, इस कारण उनको आना चाहिए। यानी कि योजनाओं को देखते हुए वोट देंगे? योजनाओं को देखते हुए। सामने कमलनाथ जी के लिए क्या कहेंगे? कमलनाथ जी के लिए ये कहेंगे कि उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो उनके विधायक को नहीं रोक पाए तो पब्लिक को क्या रोक, 26 विधायक नहीं रोक पाए तो 2 करोड़ जनता कैसे रोकेंगे? 7 करोड़ हो गए, 7.5 करोड़, 7.5-8 करोड़ मान लो जो भी है, वो नहीं रोक, वो उनको कैसे रोकेंगे? जब 26 विधायक उनके नहीं रोक पाए वो, तो 8 करोड़ जनता को कैसे रोकेंगे? अभी जब शाहजहाँपुर आए थे तो दिग्विजय सिंह भी तो बैठे हैं उनके साथ। दिग्विजय सिंह उनका काम करते हैं, कमलनाथ जी उनका काम करते हैं, मामा जी उनका काम करते हैं। तो तीनों में कौन बैठे? मामा जी आना चाहिए इस बार। गहलोत दीपक जी, इस बार चुनाव में किसका दीपक जलने वाला है, किस पार्टी का? कमल का फूल। हाँ। सामने कमलनाथ भी है। हाँ। कांग्रेस में कमलनाथ भी है और इधर कमल का फूल है बीजेपी में। कमल के फूल में देंगे नहीं, कमल के फूल। हाँ। मामा जी पसंद है? हाँ। क्यों पसंद है मामा जी? तब बीजेपी में है नहीं है, कांग्रेस में क्या करे आगे? बीजेपी अच्छी है। हाँ। कांग्रेस में विश्वास नहीं है? कांग्रेस में विश्वास नहीं है। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? महेश पाटीदार। यहीं के रहने वाले? धाराकिड़ी। क्या माहौल है इस बार, किसकी सरकार बन रही है? शिवराज सिंह की सरकार बनेगी। मामा जी की सरकार बनेगी? मामा जी की बनेगी। क्या कारण है? कारण क्या है, उनने किसान को दिया, लाडली बहनों को दिया, सभी को दिया, तो वो तो बन नहीं है पक्के में। कमलनाथ जी ने भी कहा था कि अब जब हमारी सरकार बनेगी 2018 में तो 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करेंगे। 10 दिन में कर्जा माफ? कर्जा माफ नहीं हुआ था। नहीं हुआ, अधूरा माफ हुआ था। एक सेकंड, और अभी वो कह रहे हैं 5 साल के लिए मौका दो हमको। जनता हर बार नहीं देंगे। आपका क्या नाम? संतोष पाटीदार। आप भी किसान हैं? हाँ किसान ही। आप बताइए, पिछली बार जो वादे किए थे कांग्रेस ने, ये हमने कर्ज माफी का वादा कराया था, पूरा नहीं हुआ उनसे, अधूरा करा था, इसलिए सरकार गिर गई थी उनकी। तो बीजेपी ही आएगी। मामा जी आएंगे? आएंगे मामा जी। तो वो कह रहे हैं 5 साल दो हमको पूरे, कांग्रेस कह रही है। नहीं नहीं, कोई विश्वास नहीं, जनता हर बार थोड़ी करेगा ऐसा वादा, पूरा बार साथ। हाँ वादा कराया तो वादा नहीं हुआ। कांग्रेस ने करा क्या? इतने मतलब जो भी डेवलपमेंट हुआ बहुत हुआ, रोड है शासन में हुआ क्या ना? हाँ? पिछली बार यानी कि कांग्रेस ने जो कहा था किसानों के लिए, तो में अपने बस स्टैंड किसकी देन है? बीजेपी की देन है ना? नहीं तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, पिछली बार यानी कि कांग्रेस का साथ दे दिया था कि वो 10 दिन में कर जाओ, उन्होंने दे दिया था भ्रमित होके के कुछ अच्छा करेंगे, उस हिसाब से लोगों ने दे दिया होगा। विश्वासघात? हाँ विश्वासघात हुआ, तो अब तो आना ही नहीं आना। ठीक ठीक। अम्मा आपका क्या नाम? कामिनी चौहान। कामिनी जी, क्या माहौल है, किसकी सरकार आ रही है? मामा जी की। मामा जी की? हाँ। क्यों? क्यों मामा जी सब लाभ दे रहे हैं, लाडली बहना योजना, अभी घर की भी योजना बनी है उनने, आवास अभी मिल रहे हैं और टंकी में भी पैसे आ रहे हैं 600 रुपए, सब लाभ मिल रहा है, अलग अलग योजनाओं के लाभ, अलग अलग योजना के लाभ मिल रहे हैं, इसीलिए चाह रहे हैं मामा जी। मामा जी आएंगे? सामने कांग्रेस कह रही है, अब हमें मौका दो। नहीं देंगे हम तो, नहीं देंगे मामा जी कोई। मामा जी जो जो लाभ देगा उसी को देंगे, नहीं मामा जी लाभ दे रहे तो मामा जी को देंगे, दूसरे को थोड़ी, दूसरे को नहीं। हाँ मामा जी मामा जी बहुत बढ़िया। सामने भी तो कमल है, कमलनाथ है सामने कांग्रेस की तरफ, क्या हुआ, जो जिसमें दे रहे उसमें देंगे ना। हाँ वो कह रहे हैं अब हमें लाओ, हमें कांग्रेस को जिताओ इस बार। ना कांग्रेस कुछ काम ही नहीं करते थे, फिर मतलब क्या है, जो काम होएगा वही करेंगे ना, यूँ मतलब जिसमें फायदा मिल रहा है वही करेंगे ना, यूँ इस सरकार का अच्छा। हाँ बिल्कुल बढ़िया है, योजनाएं चलाई जा रही है। हमारा हमारी धर्मशाला बनी तो हमारे को पैसे दिए उनने 5 लाख रुपए, तो वो इसके धर्मशाला के। हाँ सरकार की तरफ। हाँ सरकार ने मतलब उनने दिए, क्या नाम से ये अभी कौन आया भी है, अरुण भीमावत ने 5 लाख रुपए दिए, तो फिर पुल में देंगे ना, पुल में। हाँ आइए और भी कुछ लोगों से चर्चा करेंगे। क्या नाम है, कौन आना चाहिए इस बार, किसकी सरकार बननी चाहिए? अरुण भीमावत। मध्य प्रदेश में, पूरे में बताओ, प्रदेश में। मामा जी। मामा जी क्या कारण है, क्यों आने चाहिए? अच्छी सेवा कर रहे हैं और क्या, काम अच्छा कर रहे हैं।
सर क्या नाम है आपका? सर आपका परिचय दीजिए। मैं अर्जुन, प्यारा हिंदुस्तान से। प्यारा हिंदुस्तान से कौन आना चाहिए सर इस बार? ये मुझे आइडिया नहीं सर, कुछ तो होगा। कौन पसंद है? नहीं, मुझे आइडिया नहीं। आइडिया नहीं। अम्मा क्या नाम है? सुनीता। कौन आना चाहिए इस बार? अम्मा जी या कमलनाथ? जो अच्छी सरकार होगी उसी को चुनेंगे, जो जनता का सहयोग करे। राजापुर में इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर जो फूल मार्केट है, फूलों की मार्केट है, यहाँ पर इन लोगों से भी चर्चा करेंगे, इन लोगों से भी जानेंगे कि आखिरकार इस चुनाव में वो किसके साथ हैं, किसकी सरकार वो देखना चाहते हैं और क्यों देखना चाहते हैं, पिछली सरकारों में क्या काम उन्होंने देखे हैं, ये बात करते हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश शर्मा। दिनेश शर्मा जी, क्या माहौल है इस बार मध्य प्रदेश में, किसकी सरकार चाह रहे हैं? सरकार की बताओ, आप किसकी सरकार चाह रहे हैं? बता दो। बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी। अच्छा, क्यों आनी चाहिए बीजेपी? अच्छा हो है? काम करते हैं। अच्छा काम करते हैं। कमलनाथ जी के लिए क्या कहेंगे? कमलनाथ जी तो नहीं जमते हम। नहीं जमते। मामा जी? मामा जी जमते हैं। मामा जी जमते हैं। अच्छा काम कर रहे हैं मामा जी? बिल्कुल। हाँ, आप भी बता दीजिए। अच्छा, आप नहीं बताएंगे जी, आप कुछ बताएं। नाम बताइए पहले आपका। माता राजू नाम है। हाँ, कौन आना चाहिए इस बार? शिवराज सिंह चौहान। मामा जी। मामा जी। मामा जी आने चाहिए। क्यों आने चाहिए मामा जी? अच्छा है ये तो। अच्छा काम करते हैं मामा जी? अच्छा काम करते हैं। कांग्रेस नहीं पसंद? ए, कांग्रेस नहीं पसंद। अच्छा, बीजेपी? बीजेपी। अच्छा, सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है मनीष मलिक। मनीष जी, क्या माहौल है इस बार, किसकी सरकार लग रही है? कहीं नहीं, बीजेपी की लग रही है सर। मामा जी की? मामा जी की लगती है, और मामा जी अच्छा काम करते हैं, और मामा जी के लिए हम तो दुआएं देते हैं कि बाकी अगले अभी वापस फिर से वो यहाँ। दुआ करते हैं मामा जी के लिए फिर से? फिर से हम। ऐसा क्या कारण है उनके लिए दुआ करते? अच्छा करा उनने, हर एक रुपए किलो गेहूँ मिल रही है आज, हमारे को अनाज मिल रहा है, हमारे को अगर कम धंधा करने लगा है तो हम अनाज तो खा सकते हैं। सूरज मामा जो हमें दे रहे हैं सुविधा, अच्छा काम कर रहे हो, और वो आएंगे वापस, हमें विश्वास है। और भी कुछ योजनाएं अच्छी लग रही है मामा जी? देखो मामा जी अगर आए तो और अच्छी अच्छी योजना निकालेंगे सही, वो तो क्योंकि वो तो गरीब को लेके चल ही रहे हैं और हमेशा चलते ही आएंगे, गरीब को लेके चल रहे हैं। तो कांग्रेस लगातार कहती रहती है हम गरीबी हटाएंगे? कांग्रेस कहती है, हालांकि खाली वो वोट है उनको लेना है जब तक के बोलते हैं, उसके बाद में कांग्रेस क्या है फिर, मतलब गरीब को भूल जाती है, वोट मांग लेती है कांग्रेस पर बाकी काम नहीं करती है, भूल जाती है गरीब। कमलनाथ जी ने पिछली बार सरकार बनाई थी, जो वादे किए थे 1.5-2 साल तक सरकार रही, कुछ पूरे हुए थे? बाकी ऐसा कुछ नहीं, हमें तो खाली, हम तो खाली उनको एक ही, हमारी मतलब जो पुराने लोग हमारे जो परिवार में है, परम मतलब सदस्य जो है अभी तक डालते हैं बीजेपी में वोट डालते आए हैं, मामा जी पसंद? मामा जी पसंद है अपने। कांग्रेस को नहीं? कांग्रेस को हाँ इच्छा ही नहीं है, कांग्रेस को तो याद भी नहीं करते, याद भी नहीं रखते। यहाँ रैली करके गए थे अभी 2 दिन पहले, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ साहब? हम नहीं, बाकी हाँ ये जो जिन जिन को जम रहा है कांग्रेस, वो कांग्रेस में ही देंगे, हालांकि पर जो बीजेपी का कट्टर है वो तो बीजेपी में ही, जो मामा जी को चाहते हैं वो तो मामा जी को ही चाहेंगे। मामा जी को ही? मामा जी को चाहेंगे। क्या नाम है आपका? नरेंद्र। नरेंद्र जी, कौन आना चाहिए इस बार, किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार तो नहीं मालूम है, लेकिन अभी बजट के हिसाब से तो जो है वो मीडियम आना चाहिए, मतलब जो सरकार भी आए वो सबका भला चलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार आ रही है और उनका ही सब चल रहा है। मामा जी और कमलनाथ जी में कौन बैठा? लेकिन आना मामा जी को चाहिए। आना मामा जी को चाहिए। क्या कारण है, क्यों आना चाहिए मामा जी? क्योंकि मामा जी ने मतलब योजना तो बहुत सारी निकाल दी है और वो भविष्य के लिए अच्छा सोचते हैं, बच्चों के लिए भी, पढ़ाई लिखाई में, सभी में, इसमें मामा अच्छा चाह रहे हैं भांजे की मामा आ जाए। मामा तो आ जाना चाहिए। सर क्या नाम आपका? गजराज सिंह। हाँ जी, यहीं के रहने वाले हैं? अरे गांव के सर हम तो यार। मतलब मध्य प्रदेश के ही हैं? हाँ। कौन आना चाहिए इस बार मध्य प्रदेश में, किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार किसकी बननी चाहिए? कहीं मालूम क्या बना है। फिर भी मामा जी या कमलनाथ कौन अच्छा? शिवराज सिंह जी अच्छे आदमी है। मामा जी अच्छे आदमी है, क्या कारण है, क्यों अच्छे लगता है? अच्छे आदमी, काम अच्छा करा है बीजेपी सरकार ने। काम अच्छा करा? कमलनाथ जी? कमलनाथ जी भी अच्छे करे। जो बोलो बोलो बोलो, आपका क्या नाम है सर? जो जनता की राय हमारी राय है। आप बता दीजिए कौन आना चाहिए? कौन आना चाहिए? आना तो चाहिए, अब कांग्रेस आना चाहिए वैसे तो, बीजेपी का बहुत टाइम हो गया आते आते। मामा जी के लिए? मामा जी के लिए बढ़िया है, मामा जी ने बहुत एस कर ली है, अब दूसरे को मौका मिलना चाहिए।
क्या नाम है आपका? नैनीलाल जी। कौन आना चाहिए अब सरकार? अब वर्तमान में तो ये है कि जैसे जो भी काम अच्छा करे वो आना चाहिए। काम अच्छा लग रहा है अभी सरकार का? अभी तो अच्छा लग रहा है। मामा जी का? मामा जी का बढ़िया है। मामा जी का 1000 रुपये डाला भी है लेडीज जोन ने, लेडीज जोन को 1000 रुपये डाले भी है उनने, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब वो खाते में पैसा आ रहा है? अरे अरे अरे, 1000 फायदा मिल रहा है, फायदा मिल रहा है पब्लिक को हर तरफ से। फिर चाह रहे हैं आप मामा जी बने? मामा जी बनना चाहिए और एक बार कभी। कमलनाथ जी तो कह रहे हैं उनको हटाओ, मुझे लाओ 5 साल के लिए, हमें मौका दो। वो तो देखो अब वो उनकी भविष्य की बात भी हो सकती है, ऐसे कोई बात भी नहीं है इसमें, जनता जिताना है। मामा जी आपका क्या नाम हुआ भाई? हमारे भी यही है। नाम तो बताओ। मोहित। मोहित जी यहीं के रहने वाले? यहीं के। कौन आना चाहिए? ये आना चाहिए मामा ही। मामा आने चाहिए? क्यों आने चाहिए मामा? आने चाहिए मामा ही। हाँ, क्या नाम है आपका? मोहित चौहान। मोहित चौहान। हाँ, कहाँ के रहने वाले? शाजापुर। शाजापुर के रहने वाले हो। कौन आना चाहिए इस बार चुनाव का माहौल देख रहे हो? हर साल जो आता है बीजेपी का कमल का फूल थाली में आता है और हाथ का पंजा लाने में, हर वक्त की तरह आपकी बार भी बीजेपी आएगी। मामा जी आएंगे फिर से? मामा जी फिर छाएंगे। बांजो को पसंद है मामा जी? बिल्कुल पसंद है। क्यों? क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना मान सम्मान दिया उनको। आज उनकी वजह से लोग जनता रोड पर घूम पा रही है, तो जो है आप उनके वजह से हैं, तो मामा जी आएंगे। वो तो कितने साल के? मैं 15 साल का हूँ। वोट तो नहीं डाल पाओगे लेकिन चाहते हो मामा जी आए? आएंगे बिल्कुल। अभी 3 साल बाद डाल पाओगे वोट। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार मालिक। सुनील जी क्या माहौल है इस बार? माहौल बढ़िया है सर, जो चलता है माहौल। हम भी ये चाहेंगे कि कमल ही खिले। कमल ही खिले? कमल ही खिलेगा। कमलनाथ खिले या कमल का फूल खिले? कमल का फूल ही खिलेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। आम जनता के लिए जितना मामा जी ने किया है उनसे बिल्कुल संतुष्ट है। हम अपनी कमाई कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब कुछ है। आज लोग कहते हैं कि भाई ये चीज़ें महंगी हो गई, वो चीज़ें महंगी हो गई, तो आमदनी तो बढ़ रही है, मजदूरी बढ़ रही है। अब उस चीज़ में मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी चाहते हैं कि अपना हिंदुस्तान आगे बढ़े, किसी की गुलामी नहीं करे। और यहाँ मध्य प्रदेश का क्या? मध्य प्रदेश का भी सही साठ माहौल है, मामा जी आएंगे कोई नहीं रोक सकता। हम यहाँ पे कमलनाथ जी आए थे 2-3 दिन पहले, उन्होंने रैली भी करी थी, दिग्विजय सिंह भी उनके साथ थे। वो कह रहे आप बदलाव करो, हमें मौका दो। तो हम बदलाव चाहते हैं ना सर, इतने साल से बदलाव ही तो था। ये 20 सालों में कोई दिक्कत थोड़ी ना आई उनको भी। हम तो यही चाहेंगे जो हमारा भला करेगा उनका भला होगा, हिंदुस्तान में रहना है, जय श्री राम कहना है। तो दिग्विजय सिंह भी उनके साथ हैं, उनके समय कैसा माहौल था? उसके समय कुछ भी माहौल नहीं था साहब, बाकी कांग्रेस की सरकार में हमने लाल गेहूँ भी खाए हैं। क्या खाए हैं? लाल गेहूँ। लाल गेहूँ? हाँ। लाल गेहूँ क्या? लाल गेहूँ तो कंट्रोल पे मिलते थे, वो लाल गेहूँ भी खाए हमने कांग्रेस की सरकार में। उसमें क्या होता था लाल? उसमें गेहूँ ये होता था, मच्छी के खिलाने वाले गेहूँ थे वो, और हमने खाए हैं कंट्रोल पे। अच्छा। हाँ। अब कैसा? अब कोई दिक्कत नहीं है हमको, कोई परेशानी नहीं, अपनी कमाई हम खा रहे हैं और अपनों को किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बाकी अच्छा चले, सब कुछ रहे, शांति रहे, कोई दिक्कत नहीं है हमको। आइए और भी कुछ लोगों से चर्चा करेंगे यहाँ चुनाव के मद्देनजर। सर क्या नाम है आपका? सरफराज अहमद। सरफराज जी क्या माहौल है, किसकी सरकार बननी चाहिए? अभी तो कांग्रेस के होना चाहिए, चेंज होना चाहिए हर 5 साल में। क्या कारण, क्यों होना, क्यों चाहते हैं? रोजगार को लेके बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए कुछ मुद्दे हैं। नहीं ऐसा तो बाकी रोड वगैरह में तो अभी बीजेपी ने अच्छा है, मिल को मना है 5 साल में रोड अच्छी, रोड का काम अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ। आपका क्या नाम है? मेरा अनीता। अनीता जी क्या माहौल है, किसकी सरकार बन गई? तो बीजेपी की सरकार बनाई है हम। बीजेपी की बनाएंगे? हाँ। फिर एक बार मामा जी क्या कारण है, क्यों? कुछ नहीं, हम फूल वाले हैं इसलिए फूल में देंगे हम, तो कोई कारण नहीं। फूल वाले हैं, फूल में बस। फूल सामने नाम में भी तो है कमलनाथ, उससे मतलब नहीं हमारे को, उससे मतलब नहीं, केवल निशान पर देंगे। बस निशान पर चलते हैं हम लोग। ठीक ठीक। आपका क्या नाम है? गंगा भाई। हाँ गंगा भाई, कौन आना चाहिए? मामा जी। मामा जी आने चाहिए? बिल्कुल। क्यों आने चाहिए? फूल बेचते हैं, फूल में देंगे। फूल बेचते हैं, फूल में देंगे। हाँ। तो कुछ और कारण भी तो होगा? नहीं, हमें तो शुरू से इसमें देते हैं तो इसमें देंगे ना। कोई बात नहीं। क्या नाम है? चित्रांश कुशवाहा। हाँ, कौन आना चाहिए इस बार, किसकी सरकार? अच्छा मध्य प्रदेश का एरिया, तो उसमें बीजेपी के शासन ही आएगा भाई। बीजेपी शासन? हाँ। क्यों आना चाहिए बीजेपी? बीजेपी के शासन में काम कार्य होते हैं, कांग्रेस ने तो अभी तक कुछ करा नहीं। कमलनाथ जी तो कह रहे हैं अब शिवराज जी को हटाओ, मैं आऊंगा 5 साल के लिए। उनके कहने से क्या होता है, करेगी तो जनता, करेगी तो आम जनता। मामा जी की योजनाओं पे क्या कहें?
मामा जी ने योजना आप खुद देख रहे हो कितनी निकाली है, बहन बेटियों कितना कुछ कर रहे हैं वो। ऐसे तो मैं बोल दूं कि मेरे को तो एक 5 साल, तो क्या मेरे को तो देंगे क्या 5 साल? विजय सिंह भी लगे हुए हैं उनके साथ, उनका भी अच्छा है, वो भी बाकी बीजेपी से ही है। अच्छा दिग्विजय सिंह का बोल रहा हूँ, उनका तो अपने को नॉलेज नहीं है बाकी। कोई बात नहीं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खेमचंद। खेमचंद जी किसकी सरकार आ रही है इस बार? इस बार तो उसकी उनकी आ रही है, बीजेपी की। बीजेपी की आ रही है, और क्या? क्यों? बस काम ही करते रही है हर जगह। मामा जी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ और क्या, मामा जी अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। कमलनाथ जी 1.5 साल आए थे, कुछ किया उन्होंने? भी नहीं किया उन्होंने, 2 साल में भाग गए। तो 2 साल में भाग गए, और क्या, एक भी वादा पूरा नहीं किया, कुछ भी नहीं करा, सब खा गए। वो तो कह रहे हैं 5 साल दो मेरे को, वो अब कोई नहीं मिले उनको 5 साल, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा साहब। क्या करेंगे? काका क्या नाम है आपका? किला चंद्र। यहीं के रहने वाले हैं? शाहजहाँपुर पास में। किसकी सरकार आनी चाहिए इस बार? इसकी मोदी की, शिवराज की, मामा जी की। हाँ एक सेकंड रुक तो जाइए, क्यों आनी चाहिए? सवर लेटे। आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश नागर। किसकी सरकार आनी चाहिए इस बार? अब कमलनाथ की। क्यों आनी चाहिए कमलनाथ? ठीक है वो इसलिए। क्या नाम है भाई? रोहित पाटीदार। कौन आना चाहिए इस बार, किसकी सरकार? अरुण दा आएगा, अरुण दा, बीजेपी कमल का फूल। अच्छा बीजेपी कमल का फूल, आ गया हूँ क्या? कमलनाथ जी तो कह रहे हैं कि अब तो बदलाव करो, हमें दो मौका 5 साल के लिए। 70 साल से कांग्रेस थी, क्या हुआ? 70 साल से कांग्रेस ने क्या किया? आज देखो बीजेपी के राज में क्या हो रहा है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी कहाँ, बहुत सारी जगहों पे हो गया है एक्टिव, धीरे धीरे होएगा प्रोग्रेस। है तो शाहजहाँपुर गांव में तो थोड़ा सा लगेगा प्रोग्रेस होने में, यहाँ पे यहाँ के लोग नहीं चले एक साथ में, नहीं तो सब गाड़ी निकालना अभी टाइम नहीं। आपका सर? कुलदीप। कहाँ के रहने वाले? मैं होशंगाबाद का रहने वाला। होशंगाबाद के रहने वाला है, क्या माहौल है इस बार मध्य प्रदेश में, किसकी सरकार आ रही है? सरकार तो कुछ ठीक नहीं कह सकते, लेकिन इस बार कांटे की टक्कर है दोनों से। टक्कर कोई तो ऊपर होगा थोड़ा सा, मेरे हिसाब से तो इस बार मतलब एकदम 50-50 है दोनों तरफ, कोई एकदम नीचे नहीं कुछ कह सकते इस बार, बहुत कांटे की टक्कर है जिस तरह काम हुआ है इस बार। हालांकि बीजेपी तो कर ही रही है, कांग्रेस भी इस बार बहुत बढ़ चढ़ कर काम कर रही है जी। अब जो वादे किए, जो वादे तो कुछ किए हैं, कुछ भी नहीं भी कर रही है सरकार, लेकिन आगे देख के लगता है कि आने वाली जो भी सरकार होगी वो बिल्कुल वादे पूरे करेगी। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा राजाराम कटारिया। हाँ कटारिया जी, किसकी सरकार आ रही है? भाजपा। भाजपा आ रही है, मामा फिर एक बार। ना मामा एक फिर एक बार। क्यों, क्या कारण है? विकास। जैसे क्या क्या विकास? तो ऐसे कहने में योजना, उसके बाद 450 रुपये सिलेंडर, और बहुत सारी योजना है, मोदी जी बचाते हैं। हाँ और आवास योजना भी मोदी जी ने लाए हैं, और अब बहना आवास योजना भी मुख्यमंत्री द्वारा लाए गए हैं, इसलिए लाडली बहना आवास। हाँ लाडली बहना आवास योजना। इधर तो कमलनाथ जी कह रहे हैं मुझे जिताओ इस बार। कमलनाथ जी ने कोई काम ही नहीं करा 70 साल में, आज तक काम नहीं करा, तो अब क्या काम कर देंगे वो? कांग्रेस ने कुछ काम, काम कोई काम नहीं करा। अच्छा आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम कमलेश भावसार है। कमलेश जी यहीं के रहने वाले हैं? शाहजहाँपुर के रहने वाले हैं। शाहजहाँपुर के रहने वाले हैं, क्या माहौल है इस बार, किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी की सरकार बनेगी सर। बीजेपी की बनेगी? बीजेपी की। कमलनाथ जी कह रहे हैं आप तो शिवराज जी को उखाड़ फेंकेंगे 5 साल के लिए, कांग्रेस आएगी हम बैठेंगे सीएम कुर्सी पर, बाकी आगे देखेंगे हम क्या होता है। मामा जी और कमलनाथ जी में कौन अच्छा? मामा जी बढ़िया है। मामा जी बढ़िया है, बढ़िया व्यक्ति है। क्यों, क्या कारण है, क्यों बढ़िया? सब योजना, सब योजनाओं का लाभ ले रही जनता, टोटल योजना मिल रही है। धन्यवाद। आप भी बता दीजिए अपनी राय, आप अपना वोट डालने जाएंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेश यादव। कौन आना चाहिए? बीजेपी आएगी यहाँ पर। क्यों, कारण तो होगा ना कुछ, क्यों आना चाहिए? लहर में आएगी, लहर में मतलब इस जगह पे कह रहे हैं, पूरे प्रदेश की बात? पूरे प्रदेश के हिसाब से लहर में आएगी। अच्छा लहर में आएगी। अच्छा अच्छा, क्या फर्क है मामा जी और कमल? मामा जी और कमलनाथ में आप, आपको क्या बता, बहुत सी बातें। जावेद। हाँ जावेद जी, कौन सी सरकार आनी? अरे आइए सरकार तो जो आएगी, अपनों क्या आना चाहिए? शिवराज। कौन पसंद है मामा जी? मामा जी। क्यों पसंद है मामा जी? अरे मामा जी अगर किसान के साथ है तो मामा जी पसंद है, किसान के साथ। हाँ कमलनाथ जी? कमलनाथ जी देखेंगे अभी टाइम पे, कौन देखेंगे अभी टाइम।
वोट जी। आपका क्या नाम है? रियासत। रियासत। रियासत कौन आना चाहिए? मैं बाहर का हूँ, यहाँ का हुई नहीं आया, बाहर का हूँ मैं यहाँ का। बीजेपी आएगी सर, बीजेपी आएगी क्योंकि मामा सब लेडीज को पैसे दे रहे हैं ना, 1000 रुपये महीना। हाँ तो सर का लेडीज उसको भी वोट देगी सर? लेडीज देंगी, भाई किसको देंगे? भाई भी लेडीज बोलेगी मेरे भैया को, मामा को फोन है उसको ही देंगे वो तो। लेडीज बोलेंगे मामा जी को देना आप, मामा। हाँ जी हाँ, मेरा ऐसा लगता है 100%। क्या नाम आपका? गिरिराज सूर्यवंशी। गिरिराज सूर्यवंशी जी, कौन आना चाहिए सरकार? शिवराज चौहान। शिवराज चौहान आना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारा अच्छे काम करे, बहुत बढ़िया करे, घर बार भी दिलाए, गैस चूल्हे दिलाए, रोड सड़क बहुत सारी बनवा दी। मतलब मेरे कहने में तो ये है कि आप रोजगार वो ला दो मोदी जी, बहुत अच्छा काम हो रहा है हिंदुस्तान में, बहुत बढ़िया, केसरिया हर जगह छा गया है। और मैं चाहता हूँ आप भी कि लालची जो भी है वो हट जाए, बाकी हिंदुस्तान को हर एक बच्चों को रोजगार मिले, बस ऐसा काम करो, बाकी तो यूँ अपन सारे अमर हो जाएंगे तो और अच्छा रहेगा। मामा जी, और मामा जी कमलनाथ जी में क्या अंतर है? मामा जी, अब कमलनाथ जी तो अलग उनकी सरकार, मामा जी की अलग सरकार।